ठीक है, ग्रुप में नहीं आ रहा, बड़ी दिक्कत। अच्छा भाई, अच्छा सीन देखो, यूजर को हमने वही कंडीशंस लगाए कि यूजर ना हो तो लॉगिन, यूजर हो तो डैशबोर्ड। यूजर की स्टेट बनाते हैं ऊपर, यूजर की स्टेट बनाते हैं। अब असल काम अब आएगा, देखो भाई मजे वाला। अब सवाल, पहले हमने लॉगिन का फंक्शन इसी कंपोनेंट में बनाया था, उसके लॉगिन के फंक्शन के अंदर बटन एंटर करवाया था और बटन से इसी कंपोनेंट की स्टेट से खेला था, है ना। बटन से हमने इसी कंपोनेंट की स्टेट यूजर को कहा था कि भाई तू ट्रू हो जा, ट्रू हो जाएगी तो वो सेकंड डैशबोर्ड रेंडर हो जाएगा। क्या रेंडर होगा बोलो, क्या रेंडर होगा? डैशबोर्ड। कब? जब इसी में हमने फंक्शन बनाया था यूजर इधर से ट्रू करा। अब मसला है, मसला ये है कि ये लॉगिन जो है ये एक अलग कंपोनेंट है। अब मैं लॉगिन के अंदर अगर बटन बनाता हूं, कैसे? बटन लिख के लॉगिन के अंदर आपके भाई ने बनाया क्या बटन? क्या बनाया? बटन कढ़ाई, बटन। बटन में क्या लिखूं? लॉगिन हो जा उर्दू में, ठीक है, या लॉगिन कर दूं, ठीक है ना। ऐसी एप्लीकेशन भी होनी चाहिए यूजर फ्रेंडली और पाकिस्तानी रोमन में लिखे हो, लॉगिन कर दूं, ऐसे भाइयों वाली लैंग्वेज। फिर अरे अब क्या पासवर्ड डाला तूने? मजा आ जाए। अच्छा वैक्सीन देखो, आप देखो क्या है मसला, ऑन क्लिक, ऑन प्रेस तो रिएक्ट नेटिव में मिक्स हो जाती है, ठीक है। अच्छा आप सीन ये है, अब ये लॉगिन का कंपोनेंट है, हम इसमें क्या करेंगे? फंक्शन कॉल करते हैं दिस डॉट लॉगिन का, ऐसा ही लॉगिन पे ऊपर जो है हम ट्रू था, लॉगिन पे क्या डाले? यूजर पे, यूजर में क्या कह रहे हैं? फॉल्स। लेकिन यहां अभी मैं स्टेट नहीं बना रहा, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं यहां स्टेट को यूज नहीं कर रहा, फंक्शन बना रहा हूं लॉगिन का, ठीक है। लॉगिन के फंक्शन पे अब हम क्या कर रहे थे? ईमेल पासवर्ड मैच करके यूजर को ट्रू कर रहे थे। अब मसला ये है, ये जो स्टेट यूजर की है, ये कहां यूजर है? इस कंपोनेंट में नहीं, बाहर वाले कंपोनेंट में। अब बाहर वाले कंपोनेंट को कैसे बताएं कि भाई तुझे यूजर को ट्रू करना है? बात समझ आ रही है आपको? मसला समझ आ रहा है? मसला समझ आएगा तो फिर सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। मसला ये हो रहा है कि अगर मैं यहां पर यूजर को ट्रू कर रहा हूं तो यहां तो यूजर को ट्रू करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि कंडीशन तो मेरी ऐप और जेस पर लगी है ना। यहां ये वाला यूजर मुझे ट्रू करना है, इस कंपोनेंट का, इस कंपोनेंट का यूजर ट्रू करने का कोई फायदा नहीं है। तो क्या, किस तरह से हो सकता है? तो इसके लिए अब एक कॉन्सेप्ट आता है प्रॉप्स का, प्रॉप्स से मतलब प्रॉपर्टीज। हम कंपोनेंट को प्रॉपर्टीज देते हैं। पहले मैं आपको प्रॉप्स का बेसिक यूजेज बता रहा हूं, फिर इस मसले का सॉल्यूशन बताता हूं, ठीक है, सही है भाई? अच्छा भाई, प्रॉप्स क्या होती है? देखो, जिस तरह हम एचटीएमएल में एट्रीब्यूट लिखते हैं, इसी तरह आप प्रॉप्स को लिखते हो, प्रॉपर्टीज ही है। एट्रीब्यूट को प्रॉपर्टीज कहते हैं ना, वही है। देखो कैसे, मैं यहां पर एक प्रॉपर्टी भेज रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट में यहां हेलो वर्ल्ड लिखा, ठीक है, टेक्स्ट एट्रीब्यूट लिखा और वैल्यू में लिख दिया हेलो वर्ल्ड, इसी कंपोनेंट के। अब ये जो टेक्स्ट है ना, बहुत आसान सी बात, ये जो टेक्स्ट है ये हमें कंपोनेंट के अंदर मिलेगा, कैसे? दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट। देखो ये कंस्ट्रक्टर है, इधर कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, प्रॉप्स यहां से मिलती है ना, प्रॉप्स, कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स, चेक करते हैं।
यहाँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बाकी जगह 10 जोड़ प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ चेक कर लो console.log this.props, props में चेक करते हैं कहाँ मिलती है, from render। ठीक है, चेक करो सही, यार एक्सप्लोरर है ना, मजा नहीं देता एक्सप्लोरर। देखो भाई, दो props के हमने कंसोल करा, एक कंस्ट्रक्टर से और एक रेंडर से। कंस्ट्रक्टर में देखो टेक्स्ट मिल रहा है, यानी props dot text, इसी तरह this dot props dot text। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि अगर आपको पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड में कोई चीज भेजनी हो तो आप इस तरह से भेज सकते हो, props में बैठ गया, यानी उस कंपोनेंट को जहां आपने कॉल किया उसमें की बना लो और वैल्यू बना लो, वैल्यू में जो भेजना भेज दो। तो ये बन गया आपका पेरेंट से चाइल्ड का रिलेशन, कि पेरेंट से मैंने चाइल्ड कंपोनेंट में कोई चीज भेजी। पेरेंट कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट समझ आ रहा है, ऐप डॉट जेएस पेरेंट कंपोनेंट है, आप इसके अंदर तीन कंपोनेंट कॉल किए, वो तीनों उसके चाइल्ड है, बात समझ आ रही। तो अब पेरेंट से चाइल्ड में चीज भेजा हमने, तो ये दिस डॉट प्रॉप्स में हो गया। ये बात एक एक को क्लियर हो गई, ये प्रॉप्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि पेरेंट से जब कोई आपसे पूछे प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप बोलोगे आप पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में कोई वैल्यू लेनी हो तो दिस इज प्रॉप्स, सिंपल इज दैट। ठीक है, पेरेंट से, पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में कोई चीज लेनी हो तो वो प्रॉप्स है। और इसका यूजेज क्या है, आप जो कंपोनेंट कॉल करते हो उसके अंदर एट्रीब्यूट के तौर पर की और वैल्यू डाल दो, प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू, ये हुए प्रॉप्स। अब इस प्रॉप्स के जरिए हम अपना सॉल्यूशन कैसे निकाले, हम क्या चाह रहे हैं, हमारे कॉन्सेप्ट अभी क्या है। हमने प्रॉप्स का यूजेज क्या सुना कि पेरेंट से चाइल्ड पर कोई चीज भेजनी हो, अभी हमें उल्टा सीन करना है, चाइल्ड से हमें पेरेंट को बताना है कि स्टेट को सेट कर, हम चाइल्ड में काम करेंगे और चाइल्ड से हम पेरेंट को बताएंगे कि भाई तू अपने यूजर की स्टेट को सेट कर, ऐसा ही है ना, ये बताना है। तो अब इसका सॉल्यूशन ये है कि हम पेरेंट से एक फंक्शन भेजेंगे, उस फंक्शन के अंदर यूजर ट्रू होगा, पेरेंट में एक फंक्शन बनाते हैं उसमें यूजर को ट्रू करते हैं, ठीक है, और इस फंक्शन को भेज देते हैं चाइल्ड में कि चाइल्ड जब लॉग इन कर ले तो इस फंक्शन को कॉल कर ले। तो अब क्या होगा, पेरेंट में फंक्शन बना हुआ है जिसमें यूजर ट्रू है, ठीक है, गौर से सुनना, पेरेंट में फंक्शन बना हुआ है जिसमें यूजर ट्रू करेंगे हम, लेकिन वो फंक्शन हम कहां से कॉल करेंगे, चाइल्ड से, कहां से कॉल करेंगे, चाइल्ड से। देखो कैसे, ये फंक्शन मैं बना रहा हूं ऑन लॉग इन, ठीक है, फंक्शन बना है किसका, ऑन लॉग इन का। अब इसके अंदर मैं काम कर रहा हूं दिस डॉट सेट स्टेट यूजर ट्रू, ठीक। अब ये जो फंक्शन है वो हम यहां से तो कॉल नहीं कर रहे कहीं, ये फंक्शन हमें देना पड़ेगा लॉग इन के प्रॉप्स में, और लॉग इन वहां से कॉल करेगा इस फंक्शन को। तो जैसे ही वहां से कॉल करेगा तो वो फंक्शन बेसिकली यहीं पर कॉल होगा, और जब यहां कॉल होगा तो यूजर ट्रू हो जाएगा। देखो कैसे, अभी ये टेक्स्ट भेज रहा था, एक और मैं भेज रहा हूं ऑन लॉग इन, और इसमें अब ये फंक्शन भेजूंगा दिस डॉट ऑन लॉग इन, ठीक है। अच्छा, ऑन लॉग इन को वैसे ही माइंड डिस्क करवा दे जैसे हमने करवाया था, ठीक है, बात समझ आ रही भैया। क्या किया मैंने, जो फंक्शन मैंने यहां बनाया जो यूजर को ट्रू करेगा, वो फंक्शन मैंने प्रॉपर्टीज में दे दिया जब मैं लॉग इन के कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूं, यहां पर सबको क्लियर है, अब करके बता रहा हूं मजीद आगे काम। अब ये मुझे वहां पर कहां मिलेगा, लॉग इन के अंदर किसका एक्सेस होगा, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट ऑन लॉग इन, सबको समझ आ रही है बात, कहां मिलेगा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट ऑन लॉग इन। अब मैं क्या करता हूं, इसके क्लिक पर मैं डायरेक्ट इस फंक्शन को भी कॉल कर सकता हूं, नहीं भाई जब दिस डॉट चेक कर लेते पहले, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट ऑन लॉग इन में मिल जाएगा, नहीं मिला,
ये डिज नॉट क्रॉस का कंसोलर एडर में, तो यहाँ पर मुझे ऑन लॉगिन मिल रहा है, यानी मैं यहाँ से कॉल कर सकता हूँ, ऐसा है। तो अगर मैं ये ऑन गेट पर डायरेक्ट ही कॉल कर दू डिज डॉट क्रॉस डॉट ऑन लॉगिन, तो क्या मतलब होगा कि पेरेंट से जो ऑन लॉगिन वाला फंक्शन आ रहा है वो मैं चाइल्ड में किसी के ऑन क्लिक पर कॉल कर रहा हूं। तो चाइल्ड से जब ये ऑन लॉगिन कॉल होगा तो ये प्रॉस पर ऑन लॉगिन कहां से आ रहा है, एप डॉट जेएस से आ रहा है, तो ये ऑन लॉगिन ये वाला कॉल करेगा, ठीक है, ये ऑन लॉगिन कॉल करेगा तो यहां जाके सेट शिफ्ट को ट्रू कर देगा, चेक कर मुझे लॉग इन कर दो, कर दिया। बात आपको क्या समझ आए, प्रॉप्स, क्या समझ आए, प्रॉप्स। फिर से बताऊं क्या काम किया, मुझे पता आपके दिल में क्या चल रहा है, मतलब अंदाजा है। हाँ बोलो, एक बार फिर बताऊं फिर क्वेश्चन करना, ठीक है, एक बार फिर बता रहा हूं। देखो क्या किया, पहले मैंने आपको प्रॉप्स का यूजेज बताया, क्या बताया कि जब पप्पा से बेटे को कोई चीज देनी हो, किसको, पप्पा से बेटे को कोई चीज देनी हो तो वो उसके लिए क्या यूज होगा, प्रॉप्स, क्या यूज होगा, पप्पा मुझे गाड़ी देंगे तो किसके जरिए देंगे, प्रॉप्स के जरिए, किसके जरिए, प्रॉप्स के जरिए, अभी आ जाएगा, ठीक है, पप्पा आपको गाड़ी देंगे तो किसके जरिए, प्रॉप्स, प्रॉप्स समझ लो गाड़ी है, गाड़ी नहीं है चाबी है, ठीक है ना, तो चाबी गाड़ी उसी वक्त खुलेगी जब आपके पास चाबी हो, ठीक है, वरना फिर कोई जुगाड़ करना पड़ेगा, सही है। तो पप्पा की जो ये चाबी है ये प्रॉप्स है, क्या है, प्रॉप्स है, बोलो क्या है, जितना बोलोगे उतना याद आएगा, मैं काले साहब हूं, क्या है, प्रॉप्स, प्रॉप्स है, ठीक है ना। प्रॉप्स क्या होते हैं, पेरेंट से जब चाइल्ड में कोई चीज देनी हो, पेरेंट से जब चाइल्ड में कोई चीज देनी हो तो इसे क्या कहते हैं, स्टेट, क्या कहते हैं, प्रॉप्स। चीतर हो गया यार। अच्छा भाई, तो अब मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल दी कि मुझे पेरेंट से एक स्ट्रिंग पास करना था तो मैंने टेक्स्ट लिखा और वैल्यू में स्ट्रिंग दे दिया, तो ये टेक्स्ट मुझे चाइल्ड में कैसे मिलेगा, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट से, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब मैंने कहा कि अब लॉगिन का मामला ये है कि हम चाहिए रहे हैं कि हम लॉगिन का कंपोनेंट हमने यहां से कॉल किया, अब पहले ये था कि हम फंक्शन इसी कंपोनेंट में बना रहे थे और उस फंक्शन के ऑब्जेक्ट पर इसी कंपोनेंट की स्टेट से खेल रहे थे, लेकिन अब ये मामला नहीं है, अब मामला ये कि कंपोनेंट आ गया है, यानी अब लॉगिन के कंपोनेंट की अलग स्टेट है और इसका जो पेरेंट कंपोनेंट है उसकी अलग स्टेट है। हमारा मोटो ये है, हमें करना ये है कि लॉगिन के बटन पर क्लिक हो, लॉगिन के कंपोनेंट के बटन पर क्लिक हो तो पेरेंट के स्टेट चेंज हो जाए। क्या हमारा करना क्या मकसद क्या है कि लॉगिन में हम कोई फंक्शन चलाए तो पेरेंट का स्टेट चेंज हो जाए, लॉगिन की स्टेट नहीं चेंज करनी, पेरेंट का स्टेट चेंज हो जाए, क्यों, क्योंकि हमने पेरेंट की स्टेट को बताया हुआ है कि जब उसकी स्टेट यूजर हो जाए तो डैशबोर्ड ले आओ लॉगिन को हटा दे, है ना, यही बात है, जोर से बोलो, यही बात है भाई। तो अब इसके लिए हमने क्या किया, हमने प्रॉप्स को यूज किया, प्रॉप्स को किस तरह से यूज किया इसको उर्दू जबान में आसान से जबान में यूं समझाऊंगा कि हमने पेरेंट कंपोनेंट में एक फंक्शन बनाया, किसमें, पेरेंट कंपोनेंट कौन सा है, एप डॉट जेएस, इसमें हमने एक फंक्शन बनाया, वो फंक्शन क्या कर रहा है, यूजर को ट्रू कर रहा है, यूजर की स्टेट को क्या कर रहा है, यूजर की स्टेट को ट्रू कर रहा है, मेरे सामने उभागे नहीं कर रहा, बड़ी गंदी सुननी पड़ी, आ नहीं करो मेरे सामने, फिर हटती है कि मेरी क्लास में किसी को नींद क्यों आ रही, सही भाई, मैं क्या कह रहा था, हाँ तो पेरेंट कंपोनेंट कौन सा है, पेरेंट कंपोनेंट एप डॉट जेएस, ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट एप डॉट जेएस, एप डॉट जेएस में मैंने फंक्शन बनाया है जो यूजर को ट्रू करेगा, लेकिन ये यूजर को ट्रू यहां से नहीं करेगा, फंक्शन तो यही होगा लेकिन ये फंक्शन कॉल यहां से नहीं होगा बल्कि ये फंक्शन हमें कॉल करवाना है चाइल्ड से, कहां से कॉल करवाना है, कहां से चाइल्ड से कॉल करवाना है। अब चाइल्ड से कॉल कैसे होगा, ये फंक्शन हमें चाइल्ड को देना पड़ेगा, और जब पेरेंट से चाइल्ड को कोई चीज देने की बात आए तो कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, प्रॉप्स का, चीते बंदो,
तो अब ये ऑन लॉगिन का फंक्शन मैंने दिया प्रॉप्स में, ऑन लॉगिन की ये प्रॉपर्टी बनाई, देखो ये प्रॉपर्टी किसी भी नाम की हो सकती है, जब लॉगिन करें अजान हो रही, चलो एक मिनट स्टॉप। अच्छा भाई आलो बैक, अब मैंने कहा कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी का नेम होगा ये वही नाम होना जरूरी नहीं जो फंक्शन का, कुछ भी कर सकते हो। देखो आप जितना तफरी करके प्रोग्रामिंग करोगे ना उतनी बेहतरीन जाएगी प्रोग्राम, आप जितना अपने अल्फाजों में और जितनी अपनी चीजें तफरी में घुसोगे मजा आ जाएगा। सही बता रहा हूँ मैं, तभी तो यहाँ ऐसी चीजें लिखता हूँ कि जहन में बैठ जाए चीजें, ठीक है ना, वरना सिर्फ प्रोफेशनल वे में ऑन लॉग इन टू ऑन लॉग इन और ये हम लिखते रहेंगे ना तो इतनी खास समझ नहीं आएगी। आप तफरी करिए हो तो आपको मना नहीं करें, हाँ लेकिन क्लाइंट आ जाए उसके सामने नहीं कर जाता, फिर पासवर्ड उसको भेज दिया वो सही लॉग इन कर, ठीक है ना, अलर्ट भेज दिया उसको, ठीक है भाई। तो ये अपनी हद तक जितनी अपनी ट्रेनिंग इस तरह से कर सकते हो मैं बोलता हूँ बहुत बेहतरीन है एज कम्पेयर टू प्रोफेशनल, ठीक है। अच्छा भाई अब मैं ये जब लॉग इन करे प्रॉपर्टी ने भेजा और वैल्यू में मैं एक फंक्शन भेज रहा हूँ, ये फंक्शन एज इट इज उठ के चला जाएगा this dot props dot on login या जब login करे मैं, जब login करे यहाँ जो लिखा है वो आएगा props में और उसके अंदर बैठा हुआ ये on login, ठीक है बात समझ आ गई। तो अब ये मैं क्या करूंगा, जब वहां से बंदा login के बटन पे क्लिक करेगा child component से तो उस component में ये मैं this dot props dot जब login करेगा function call कर दूंगा, होगा क्या जब login करे में क्या पड़ा हुआ है ये function पड़ा हुआ है ऑन लॉग इन, तो जब लॉग इन करे इज इक्विवेलेंट टू ऑन लॉग इन, तो ऑन लॉग इन कौन आ जाएगा वो यहाँ पेरेंट स्टेट की यूजर को ट्रू कर देगा, कैसा दिया चेक करो दोबारा कहाँ गया ये रहा। तो एज वेल लॉग इन बटन ऑन क्लिक पे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट जब लॉग इन करे, सही भाई बेहतरीन है, मुझे लॉग इन कर दूं पूछो भाई बजानी हो सही से बजा लो बैठ, हाँ
नहीं, अब मैं ये बता रहा हूँ, देखो आपने जो एडमिन वाली कंडीशन लगानी है, चाहो तो उधर भी लगा सकते हो, चाहो तो इधर से ही काम करके भेजो, ठीक है? कैसे? देखो भाई, अभी तो मैंने यहाँ से डायरेक्ट कॉल कर लिया, मैं काम करता हूँ यहाँ से, पहले अपना फंक्शन कॉल करता हूँ इस स्टेट का, वहां काम करवा के यूजर ट्रू होता है तो मैं ट्रू वहां भेजो, वहां सिर्फ यूजर ट्रू तक का काम करता है। देखो क्या कर रहा हूँ, दिस डॉट लॉग इन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, ठीक है, और इस पर मैं क्या करता हूँ, इसको बाइंडस कर रहा है, दिस डॉट लॉग इन इज इक्वल टू दिस डॉट लॉग इन डॉट बाइंडस, राइट? ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं लगता, नहीं है ऐसा ही है, पक्की बात है, देख लो। अच्छा भाई, अब यहां मैं कंडीशन लगा सकता हूँ फिलहाल कि यार अगर जो ईमेल पासवर्ड, क्योंकि ईमेल पासवर्ड तो आपको यही मिलेगा ना, इनपुट आप यहीं पर बनाओगे ना, है कि नहीं? यहां आपने इनपुट बनाया प्लेस होल्डर ईमेल, ठीक है, और यहां पर आएगा क्या, पासवर्ड, क्या आएगा, पासवर्ड। अब ईमेल और पासवर्ड आपको जो आप स्टेट में आपने जो सेव करवाए होंगे वो यहां पर आपको मिलेंगे, आपने लिखा कॉन्स्टेंट ईमेल पासवर्ड, अभी मैं काम नहीं करवा के दिखा रहा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये आपको स्टेट से मिल जाएंगे, ऐसे ईमेल पासवर्ड तो ऐसी स्टेट में होंगे ना भैया, काम आप इधर ही करवाओगे, है कि नहीं? अब यहां पर आप कंडीशन लगाओगे कि अगर ईमेल जो है वो एडमिन एट डोमेन डॉट कॉम के इक्वल हो, ठीक है, और पासवर्ड जो है वो एडमिन के इक्वल हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो क्या करते हैं? तो अब हमें यूजर को ट्रू करवाना है, लेकिन किस तरह यूजर को ट्रू करवाएंगे, वो फंक्शन कॉल करके, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट क्या था, जब लॉग इन करे, अब चला गया जब लॉग इन करे, कैसा दिया, अच्छा दिया, ठीक है। अच्छा एक और चीज, हाँ पूछो, क्या क्या क्या, स्टेट जो है वो म्यूटेबल है, ये म्यूटेबल है, प्रॉप्स जो है वो म्यूटेबल है, इनम्यूटेबल है, यानी चेंज नहीं होता। हाँ सर, दिस डॉट प्रॉप्स में आप कुछ भी चेंज करो तो कोई फायदा तो नहीं है उसका, चेंज तो नहीं होगा। स्टेट म्यूटेबल है, इससे मुराद ये कि वो स्टेट सेट हो सकती है, सेट स्टेट हो सकता है, प्रॉप्स में कोई सेट स्टेट वाला सीन नहीं है, फंक्शन कॉल किया ना, चेंज थोड़ी किया कुछ, म्यूटेबल का मतलब उसमें कुछ चेंजिंग करना, ठीक है, ये तो फंक्शन यूज किया मैंने, जो फंक्शन वहां कॉल किया वहां दिया हुआ है, ठीक है भाई, ये बात आपको समझ में आ गई, ये प्रॉप्स हमें सुपर में क्यों लगाया है, चेक करते हैं, अगर यहां से हटाते हैं तो क्या हमें मिलता है, कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स, बल्कि वहां रेंडर में कराया है ना हमने, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट प्रॉप्स मिलना चाहिए, कौन कौन बंदा मिल जाएगा, एक बंदा, बाकी सारे बंदा नहीं मिलेगा, पक्की बात है, है जी, मिल गया भाई, किधर लगा हुआ, सुपर में लगा हुआ, अच्छा हटाया नहीं, तुम क्या कर रहे हो, मिल गया, कैसा दिया, तो मिल गया, हाँ क्या कह रहे हो, सुपर में पास इस वजह से कर रहा था कि फिलहाल तो मेरी बेस्ट प्रैक्टिस है, सेकंड ये कि इसकी वजह मुझे भी देखनी पड़ेगी, याद नहीं अभी मुझे कि यार प्रॉप्स सुपर में क्यों गया, आपको याद है, नहीं, हाँ देखो सुपर तो इस वजह से कॉल करते हैं ताकि जहां पर हम एक्सटेंड कर रहे हैं कंपोनेंट, जैसे हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो उसका फंक्शन कॉल हो जाए। अब कंपोनेंट में प्रॉप्स क्यों दें, देते तो है लेकिन क्यों दें, तो इसकी वजह आप भी रिसर्च करके आओ, मैं भी देखता हूं,
ठीक है, जो नहीं पता नहीं पता भाई चीज उसमें क्या है। हाँ फंक्शन पेरेंट क्लास से एक्सेस कर, लेकिन देखो ना इसके बगैर भी हमें प्रॉप्स मिल रहा है, चला है ना फंक्शन में लॉग इन पे आया है ना, वो तो दिस डॉट लॉग इन, दिस डॉट लॉग इन डॉट माइंड दिस, लॉग इन पे आ रहा है भाई। हाँ एक मिनट, मैंने कुछ गलती की क्या, एरर क्या बोल रहे हैं, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ईमेल ऑफ नल। अच्छा वो स्टेट से हम जो ईमेल ले रहे हैं उसका बंड है, फंक्शन क्या बोल गया हमने, क्या कर रहे हो गया भाई, चल रही। हाँ किसको, फंक्शन को यही पे बनाओ, क्योंकि देखो वहां बनाओगे तो वहां उसके लिए आपको ईमेल और पासवर्ड दोनों देने पड़ेंगे इसको, तो जितना काम आप कंपोनेंट के अंदर कर सकते हो कंपोनेंट के अंदर करो, जो फाइनल काम है वो आप पेरेंट को दो, ठीक है। अच्छा अगर हमें, सुनो सुनो भाई, अगर हमें ईमेल और पासवर्ड पेरेंट में चाहिए हो तो क्या करेंगे, यहां से भेज देंगे जैसे हम नॉर्मली फंक्शन में भेजते हैं, ऑब्जेक्ट की सूरत में भेज दूंगा ईमेल, फॉर एग्जाम्पल अभी ईमेल तो स्टेट में नहीं है वैसे भेजा एडमिन, और पासवर्ड अरे ऐसे ही लिख रहा हूँ यार, तुम तो सीरियस हो जाते हो, ठीक है भाई। तो जब लॉग इन करेंगे कॉल होगा यहाँ पर मुझे मिल जाएगा पैरामीटर में, पक्की बात है, यूजर का ओबीजे, ठीक है, और कंसोल का यूजर का मिल जाएगा, पक्की बात है, सोच लो नहीं हुआ तो यूजर जो लॉग इन हुआ कर दो लॉग इन ना ही करो, ठीक है भाई। तो प्रॉप्स आपको क्लियर हो गए, ये थे प्रॉप्स बच्चों वाले, बस शुरू में ही कॉन्सेप्ट हमने ले लिया, आप इस पर काम करो मजा आ जाएगा आपको, ठीक है, ऐसे बंदे समझ आया बेहतरीन है, कल्चर क्लियर है, ठीक है। आज यहाँ स्टॉप करते हैं, वैसे तो आगे पढ़ाना था लेकिन टाइम नहीं बचा, लाइट भी गई, बीच में मसला हुआ, यहाँ स्टॉप करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट असाइनमेंट आने वाले फाड़ू इंशाल्लाह। हाँ अरे यार तुम तो चीते हो, तुम तो कर लो, तुम बोलो रैम कर, तो बाकी क्या बोलेंगे, बहुत सारे हाँ बिल्कुल इस तरह प्रॉपर्टीज देते जाओ। अच्छा एक मिनट भाई बात सुन लो एक मिनट, अरे गूगल कोड याद देखो तुमने याद नहीं दिलाया, ये मैं फेसबुक पर नहीं डालूंगा, यहीं पर दिखा रहा हूँ, लिख लो अपने पास, नोट कर लो जो भी करने कर लो, और आंसर एक्सपायर हो जाएगा। लाइव चल रहा है, लाइव को स्टॉप करते हैं, जजाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।